अब दोस्तों ये बताइए कि आप में से किस किस को लगता है कि भगवान एग्जिस्ट करता है। अब कोई बोलेगा भगवान नहीं होता, हमारा अंधविश्वास है। कोई बोलेगा नहीं जी हाँ, भगवान एग्जिस्ट करता है। तो आज मैं आपको एक स्टोरी शेयर करती हूँ जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं। भगवान हमें दिखते नहीं हैं, बट हम एक मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं। अब लोग बोलेंगे कि अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं है, मेरे केस में मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि भगवान दिखते नहीं हैं, बट हम मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं। बट अगर हम डेली एक रूटीन बना के, एक रूटीन सेट करके 5 या 10 मिनट हम जितनी भी हमारी क्षमता है उस हिसाब से अगर हम भगवान के आगे दीपक जला के हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चोट हमें एक्सीडेंट के रूप में लगने वाली है वो हमें एक छोटी सी खरोंच के रूप में लगेगी तो ज़रूर, पर जो हमारा भयानक भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था वो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा और हमारा वो खरोंच में, स्क्रैच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आप लोग भी सहमत हैं मेरी इस बात से कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान को मानना चाहिए? गॉड है, गॉड इज़ एवरीवेयर। तो हम ये नहीं कह सकते हैं वी आर नॉट क्रिएटिंग अंधविश्वास बिटवीन पीपल्स, बट मेरा मानना ये है कि हाँ भगवान होते हैं, भगवान का भी एक रूप है। अगर भूत होते हैं तो भगवान भी होते हैं, अगर भूत एग्जिस्ट करते हैं तो भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं। नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी भी है, ये तो आप सब लोगों को पता ही है। तो अगर हम सुबह अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकाल के 5 मिनट भगवान के आगे अगर हाथ जोड़ सकते हैं तो क्यों नहीं। हम भी तो एक इंसान ही है, अगर हमें वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इससे बड़ी और क्या बात है। जय श्री कृष्ण।